आई बी पी एस क्लर्क टू थाउजेंड नाइन्टीन सिर्फ आपके लिए क्या इसमें सिलेक्शन प्राप्त करना है आपका लक्ष्य तो जुड़ना मत भूलिएगा रात आठ बजे सत्रह सेप्टेम्बर को आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के साथ हेलो एंड वेलकम टू अडर ट्वेंटी फोर सेवन गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट आप सभी लोगों का स्वागत है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पे सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत सारा थैंक यू बहुत सारा धन्यवाद बहुत सारा शुक्रिया दैट टुडे वी कंप्लीटेड थ्री मिलियन आज हम आपसे बहुत सारा थैंक यू करना चाहते हैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए कि आप लोगों की वजह से एवरीथिंग इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस एवरीथिंग इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस बस मेरे पास यही वर्ड्स हैं और आप लोगों का काम है कि इसको और ज़्यादा क्या करना है आपको हर स्टूडेंट को बताना है कि अंडर ट्वेंटी फ़ोर सेवन को सब्सक्राइब करो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सबको बताइए कि अंडर ट्वेंटी फोर सेवन को क्या करना है सब्सक्राइब करना है चलो आज हम लोग का जो सेशन रहेगा वो रहेगा क्लोज टेस्ट एंड क्लोज टेस्ट इज़ अ टॉपिक दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज समाइम इट इज़ कन्फ्यूजिंग इज़ वेल एंड स्कोरिंग बहुत ज़्यादा क्या रहता है स्कोरिंग रहता है एंड यूजली यू सी हर हर एग्ज़ाम एग्ज़ाम में में क्लोज़ क्लोज़ टेस्ट टेस्ट आता है। टेस्ट हर एक में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हर एग्ज़ाम्स में आते हैं क्लोज टेस्ट होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है एरर्स होता है तो क्लोज टेस्ट कैसे करना है कैसा अप्रोच रहता है व्हाट इज क्लोज टेस्ट है ना

एवरी वन जो कुछ यहां पर है सभी को शिवम को शर्मा को और अश्विन को अख्तर को सभी लोगों को बहुत सारा अब देखो यार होता क्या है एंड वट इज द अप्रोच फॉर सॉल्विंग एनी ऑफ द क्लोजेस्ट क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का ठीक है अब देखो आगे बढ़ते हैं क्लोजेस्ट जैसे हमने बोला होगा क्या तो एक आपको दिया जाएगा एक पैराग्राफ दिया जाएगा एक क्या दिया जाएगा पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें क्या होंगे सर्टेन ब्लैंक्स होंगे यहां पर मान लो एक ब्लैंक दे दिया गया यहां पर एक ब्लैंक दे दिया गया और ऐसे करके ब्लैंक्स दे दिए गए ये फर्स्ट है ये सेकेंड है और ये थर्ड है और यहां पर फोर्थ है इट डिपेंड्स

दूसरा तरीके पर आते हैं दूसरा तरीका क्लोज टेस्ट का कैसा हो सकता है यहां पर आपसे पूछ रहा है मोस्ट एप्रोप्रिएट यानी ऐसा कौन सा वाक वर्ड है जो एप्रोप्रिएट है उस खाली स्थान पर आना चाहिए दूसरा जो है हो सकता है आपसे पूछ ले मोस्ट इन अप्रोप्रिएट अभी आपसे कहा है कि इस ब्लैंक में कौन सा आएगा अब आपसे दूसरा पूछ लेगा इस ब्लैंक में ऐसा कौन सा वर्ड है जो मोस्ट इन है अब क्या पूछेगा आपसे मोस्ट inappropriate यानी ऐसा कौन सा है जो नहीं आएगा ठीक है एक दूसरा तरीका यह हो गया तीसरे तरीके की अगर हमने बात करी तो कैसे एग्जाम में आता है यहां पर आपको एक वर्ड दे दिया जाता है ब्लैंक के पास में ही आपको क्या दे दिया जाता है एक वर्ड दे दिया जाता है अब आपसे उम्मीद करी जाती है या तो आपको बताना होता है ऑप्शंस कैसे रहते हैं फोर फाइव नो चेंज रिक्वायर्ड लास्ट जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है नो चेंज रिक्वायर्ड ठीक है या तो आपसे कहा जाता है जो वर्ड दिया गया वो बिल्कुल बढ़िया है बिल्कुल ठीक है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है तो आप क्या मार्क कर दोगे ऑप्शन फाइव एज योर आंसर इतनी बात समझ में आ गई देखो हमेशा जब कभी भी आप सॉल्व करिएगा क्लोज टेस्ट तो आपको क्या करना है बच्चा ध्यान से समझना मेरी बात को वेन ए यू आर गोइंग टू सोल्व क्लोज टेस्ट वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड फर्स्ट एक बार एक ग्लांस में उस पैराग्राफ को पढ़ लो हमने क्या बोला है एक बार जो पैराग्राफ दिया गया उसको पढ़ लो रीड इट आपको उससे पता चल जाएगा कि जो टोन है वो कैसी रहेगी देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट वे है क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि आपको सिर्फ तीन चार लाइनें पढ़नी है मगर वो पढ़नी है तीन चार लाइनें मगर पहले आपको एक बार क्या कर लेना है आपको अपना रीडिंग कर लेना है जो भी आपको क्लोज टेस्ट दिया गया है उसके बाद आपको जब कभी भी क्लोज टेस्ट करना है यू ऑलवेज हैव टू फॉलो एलिमिनेशन मेथड कैसे फॉलो करना है एलिमिनेशन मेथड फॉलो करना है पव, आ, पावनी आरती समरा ड्रीम इलेवन रुचि विजय रजत सु, सुमा समरा सभी लोगों को बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन दट वी आर कंप्लीटेड थ्री टूडे आज हम लोग एकदम तीन पर चल रहे हैं और वेरी चल, सुन क्या हो जाएगा ये चार हो जाएगा कैसे पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ ये आप ही लोग पॉसिबल कर सकते हैं और इसके साथ में हम ये तुम लोगों को बताना चाहेंगे दैट आई हैव स्टार्टेड माय न्यू सेशन एक नया शो शुरू करा है सुबह छः बजे आता है जिसमें हम पढ़ाते हैं वो कैबलरी एंड इंग्लिश का एक स्पेशल रूल पहले तो आप लोगों का बहुत सारा थैंक यू क्योंकि जो बच्चे उसको लाइक कर रहे हैं, हो कॉमेंट कर रहे हैं बहुत सारा थैंक यू उसके लिए कि आप लोगों को वो अच्छा लग रहा है अगर आप लोग चाहते हो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज डू शेयर इट जरूर उसको शेयर करो क्योंकि सुबह छः बजे बहुत से लोग सोते रहते हैं उनको पता भी नहीं रहता है कि ये शो आता है तो कम से कम उस टाइम वो नहीं देख पाते हैं कोई बात नहीं वो किसी भी टाइम स्लॉट पे देख सकते हैं आप पढ़ाएंगे तो सिक्स मिलियन भी हो जाएगा हाँ ऐसी सब लोग पढ़ाएंगे तो आप सबकी वजह से सेव हो सकता है एवरीथिंग इज पॉसिबल आप लोगों के प्यार से सेव हो सकता है अदरवाइज वी आर नथिंग हम तो एटलीस्ट वेन आई एम टॉकिंग ऑफ माई सेल्फ आई एम नथिंग आई एम नथिंग Everything इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज आप लोगों को इतना सारा जो प्यार है उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद मैम की भी पार्टी करनी है हाँ हम हाँ, 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 अनसब्सक्राइब करें क्यों भाई ऐसा ऐसे नहीं करो भाई पार्टी वार्टी तुम लोगों को मिलती रहेगी यार। Uh, अच्छा अगर तुमने शिवम तुमने करा कर था सुबह वाला से, अ, सेशन तुम्हें कैसा लगा था जरूर बताओ हमको भी कमेंट करके बताओ कैसे क्या तुमने कुछ नया सीखा उस सेशन में अगर सीखा है तो प्लीज बताओ हाँ सीखा है थैंक यू फॉर सेइंग रुचि आई एम बेस्ट अगर तुम लोगों को लगता है बेस्ट तो यार तुम लोग मेरा साथ दे दिया करो शेयर कर दिया करो क्योंकि जो आर के जो व्यूवर्स रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं बट आई एम टेलिंग यू वट आई एम टीचिंग इज रेलिवेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो बैंक की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वॉच माई सेशन डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा ठीक है थैंक यू रजत फॉर बीइंग बेस्ट यार बेस्ट वेस्ट लगते हैं तो लाइक और शेयर प्लीज कर दिया करो क्योंकि मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं कि हम लाइक like कर देंगे तुम लोगों से या डिसलाइक कर देंगे मेरा मानना ये है तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम लाइक करो अगर नहीं अच्छा लगा है तो तुम डिसलाइक करने का तुम्हें पूरा हक है जरूर डिसलाइक करो मगर हमको एक बार ये बता दूँ की हाँ हमने इसलिए डिसलाइक करा है चलो ज्यादा बातें नहीं करते क्योंकि सेशन को भी आगे बढ़ाना है बेस्ट टीचर सोनाक्षी अच्छा कॉमेंट लग रहा है थैंक यू एवरीबडी चलो अब ये रहा आज का हमारा जो क्लोज uh, टेस्ट है मैम सेशन मस्त होता है वी नीड बैंक प्राइम बैंक प्राइम प्लीज प्रोवाइड सूरज हाँ वेरी सुन बेस्ट टीचर हर्ष थैंक यू सो मच अब देखो यहाँ पर हम तुम लोगों को एक बार रफली एक बार आपको पढ़ना है सिर्फ आई एम गिविंग यू ट्वेंटी सेकेंड थर्टी सेकेंड टेक्निकल टीम प्लीज लगा दिया जाए एक बार मेरे बच्चे इसको जल्दी से पढ़ ले थैंक यू रोहित अगर तुमको ईच और एवरी सेशन लगता है सारे सेशन जरूर देख लेना कुसुम तुमने लाइक करा था अगर तुमको बेस्ट लग रहा था मॉर्निंग का सेशन तो पढ़ो जल्दी से अब टाइम हो चुका है आप जल्दी से थोड़ा सा और बढ़ा देना थोड़ा जो नहीं पढ़ पाए वो पढ़ ले चलो वीना थैंक यू सो मच चलो अब देखो यहाँ पर एक बार और सर टेक्निकल तीन थर्टी सेकंड्स का प्लीज टाइम और, और लगा दिया जाए चलो थैंक यू एवरीबडी बहुत सारा धन्यवाद तुम लोगों का अब चलते हैं अपने पैराग्राफ को कैसे हमको अप्रोच करना है ठीक है यहाँ से यहाँ तक की टेक्निकल टीम आप 20 का सेकंड हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का टाइमर लगा दीजिएगा आपको यहां पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन आना चाहिए चलिए टेक्निकल टीम ट्वेंटी सेकेंड्स का प्लीज टाइमर लगा दिया जाए पंकज क्या हो गया तुम्हारी समस्या टाइम हो चुका है और क्या होना चाहिए यहां पर ई होना चाहिए ई होना चाहिए सबसे पहले आंसर देने वाले पंकज झा उसके बाद दिया है हर्ष शर्मा में देखो देखो क्या लिखा हुआ है जल्दी से देखते हैं यहां पे लिखा इट इज अ हॉट डे इन समा एंड टू मैन आर प्राइजिंग ओपन द लीव ऑफ मेज इन अ फील्ड अब क्या लिखा हुआ है इट इज अ हॉट समर की हॉट uh, डे था कब सेप्टेंबर में एंड टू मैन दो लोग आदमी क्या कर रहे थे आर प्राइजिंग ओपन द लीव ऑफ किसकी लीव मेज की लीव इन अ फील्ड ऑफ कहां पर कर्नाटका चिक्का बल्लापुर डिस्ट्रिक्ट नाम बड़ा अच्छा है चिकाबलपुर डिस्ट्रिक्ट द क्रॉप इज टू मंथ जो क्रॉप थी टू मंथ्स अवे फ्रॉम बीइंग हार्वेस्टेड सिर्फ दो महीने बाकी थे उसको क्या करने में हार्वेस्ट करने में लेकिन बट द लीव है दो महीने बाकी थे उसमें हार्वेस्ट होने के और लिखा हुआ है बट द लीव लुक डैश अब हमको यहां पर नेगेटिव वर्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही बट आता है इसके आगे जो वर्ड आता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है ठीक है जो वर्ड आएगा वो क्या होगा नेगेटिव समझना यहां पर हमने कहा द क्रॉप सिर्फ महीने बाकी थे हार्वेस्ट होने में लेकिन हुआ क्या बट द लीव्स लुक मगर जो लीव्स थी जो पत्तियां थी वो कैसी दिख रही थी ब्यूटीफुल नहीं दिख रही होगी क्योंकि हमने क्या बोला है आपको क्या लगाना पड़ेगा नेगेटिव लगाना पड़ेगा जल्दी से पहले फटाफट से शेयर कर दो जल्दी से जल्दी से मेक इट फास्ट फटाफट से शेयर कर दो इस लिंक को फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से शेयर करो

नेगेटिव वो क्या हो गई थी डिजीज यानी उसमें क्या हो गए थे कीड़े मकोड़े लग गए थे चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए ये रहा नेक्स्ट अब आप जल्दी से बताना इस वाले ऑप्शन में क्या होगा ट्वेंटी सेकेंड्स का टेक्निकल टीम प्लीज टाइमर लगा दिया जाए हाँ जिद्या की जया सिंह गीता वेरी गुड टेक्निकल टीम जल्दी से लगाओ आंसर दिख रहा है इस लो, इसमें तुम लोगों को तो तुम लोग बता लो ये आंसर दिख रहा है रीजन बताना सोच समझ के प्लीज बच्चा चीटिंग नहीं करना चलो देखो अब यहाँ पर क्या लिखेगा बी होगा ओके okay, ई e होगा ईमानदारी से बताना ठीक है अब देखो गजब लिखा हुआ है यार यहाँ पर समझना लिखा हुआ है यहाँ पर इस वाले में बताना था सम हैव स्ट्रेक्स ऑफ वाइट ऑन दैप यानी कुछ पत्तियों पे क्या हो गए वाइट वाइट से धारी बन गई है वाइल अदर्स आर तब की दूसरी तरफ क्या है जबकि दूसरी तरफ क्या है वाइल्ड अदर्स आर विद होल अब यहां पर ये पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस में हमेशा ध्यान रखना आर के साथ में वर्ड की वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है थर्ड फॉर्म आती है पूरी इंग्लिश की बात बता रहे हैं अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में हमेशा आर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म आएगी आ, ओके चलो चक्का निका कोई नहीं चलो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड आज दिया जाना पूरी अंग्रेजी की बात कर रहे हैं अगर आर दिख जाएगा तो पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म आएगी यानी कि यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए थर्ड फॉर्म आनी चाहिए अब पहला लिखा हुआ है हो सकता है हो जाए। पर लिखा हुआ तो है फुल तो फुल एडजेक्टिव है पर ये होगा नहीं। हमने अगर कवर्ड होता वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो हम मान सकते थे कंसिडर नहीं करेंगे अब मार्क्ड हो सकता है या क्या हो सकता है पेपर्ड हो सकता है इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है ठीक है अब एनलार्ज यानी किसी चीज को बड़ा करना किसी चीज को क्या करना बड़ा करना अब ध्यान ध्यान से समझना यहां पर लिखा हुआ है वाइल अदर्स आर मार्क्ड वाइल अदर्स आर डैश विद होल्स यहां पर हमको प्रेपोजिशन विद भी दिया गया है तो आपका काम ये है कि अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा देखो क्या लगाना पड़ेगा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमने क्या एनलार्ज विद हो सकता है एनलार्ज विद कभी नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि एनलार्ज के साथ में प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है एनलार्ज के साथ विद कभी भी नहीं यूज होता है तो यहां पर एनलार्ज विद हो नहीं सकता था दिमाग लगाना पड़ा आप लोगों को क्या लगाना पड़ा कि विद दिया गया आपने देखा कि यार एनलास्ड अगर हम लगाते तो हम यहाँ पर क्या विद जाता है इलाज के साथ नहीं जाता है इतनी बात समझ में आ गई दूसरा था मार्ग्ड मार्ग्ड के साथ विद नहीं अगर मार्ग्ड बाय पर लिखा होता तो हो सकता था तो हम ऑप्शन बचे किससे पेपर्ड मतलब पेपर्ड का मतलब होता है किसी से भर जाना यानी किसका मतलब क्या होता है फील्ड वो किससे भरे हुए थे उसमें क्या थे एकदम छेद छेद से हो रखे थे आई बात समझ में जिन्होंने आंसर दिया है वो बिल्कुल था। दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा देखो यहाँ पर आर था यहाँ पर नेगेटिव आना वर्ड था यहाँ पर आर दिया हुआ है यहाँ पर विद दिया है तो थोड़ा सा हमको क्या लगाना पड़ेगा दिमाग लगाना पड़ेगा चलो अब बताना है आप लोगों को ऑप्शन नंबर थ्री में क्या होना चाहिए सबसे पहले हाँ मार्क जब होता है सुनाक्षी अब जल्दी से देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है टेक्निकल टीम ट्वेंटी सेकंड्स का प्लीज टाइमर लगा दे आई नो अख्तर सबने यही करा है

जिस्ट का यार मतलब बताओ क्या होता है का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु स्टडी इंसेक्ट्स क्या होता है एंटेमोलॉजी क्या होता है स्टडी कंसर्न देखो एंटेमोलॉजिस्ट का हो, हो जाएगा जो पढ़ता है किसको बायोलॉजी कंसर्न विद इंसेक्ट्स ठीक एंटेमोलॉजी क्या होगा एंटेमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट उसे क्या बोलते हैं एंटेमोलॉजी बोलते हैं क्या हो जाएगा? जो पढ़ता है okay? इतनी बात समझ में दोनों में आ दोनों तो क्या 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 लिखा हुआ है? Soon, one of the men. क्या हुआ? है? है बहुत ही जल्दी जो था, था? उसका नाम क्या था? लागुड. नाम भी बड़ा गजब का है यार. अरका 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 लागुड. नंजुन कल्प्रेट यानी उसने क्या कहाेद हो, हो रहा थे उसके पीछे रीजन क्या था उसने क्या कर लिया फाइंड 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 आउट 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 कर कर लिया। क्या कर लिया? क्या क्या क्या? देखते हैं। an यानी कि उसने क्या करा? उसने करा? करा कोई चीज होगी यानी क्या होगा यहाँ पर नाउन होगा ही होगा क्या होगा बोलो नाउन होगा एक small greenish brown कोई चीज ब्राउन क्या होगा डाउनी तो उसके आगे आएगा उसमें क्या है वो है कैसा विथ डार्क लाइन अलोंग इट्स लेंथ उसकी जो लेंथ है उसमें क्या है डार्क लाइंस दिख रही हैं एंड एन इनवर्टेड वाई ऑन और उसके जो हेड uh, है उसमें उस तरीके की कुछ वाई तरीके की बनी हुई है ठीक है अब देखो गजब लिखा हुआ एंटीबायोटिक यहाँ पर जिन भी वर्ड्स के लास्ट में आई uh, सी uh, आता है वो क्या होते हैं एजेक्टिव होते हैं जैसे हमने बोला लिथार्जिक लिथार्जिक का मतलब क्या होता है लेजी ठीक वैसे एंटीबायोटिक एजेक्टिव है यहाँ पर जिन भी वर्ड्स के लास्ट में हमेशा रट लो अगर आईसी आता है तो वो क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं और हमने क्या कहा है स्मॉल ग्रीन ब्राउन कोई चीज ही तो होगी स्मॉल ग्रीन ब्राउन उसके आगे एडजेक्टिव तो नहीं लगा दोगे तो हमारा जिन बच्चों ने ए आंसर दिया था वो हो नहीं सकता ठीक है नेक्स्ट लिखा हुआ है फंगी और यहां पर लिखा हुआ है बैक्टीरिया तो एक बात बताओ यार जिन्होंने फंगी बोला था या जिन्होंने फंगी बोला था कैसे बोल सकते हो यार फंगी तो माइक्रो यानी छोटे छोटे हैं और तुमसे क्या कर उनको तो ऐसे ऐसे करके देखना पड़ेगा और यहां पर क्या कह रहा है स्मॉल ग्रेनिश ब्राउन विद डार्क लाइन तो यहां पर फंगी और छोटी छोटी बिल्कुल दिखते ही नहीं है क्या तुम ये कहते हो कि मैडम जो ये आप तुम पी रही हो कॉफी इसमें हम यहाँ पर फंगी डाल देंगे या बैक्टीरिया डाल देंगे तो ऐसा होता है नहीं होता है ना तो फंगी और बैक्टीरिया क्या हो सकता है दिखते ही नहीं है यार माइक्रो इन दोनों को तो हटा ही दो एलिमिनेट कर दो यार एलिमिनेट कर दो ये हो ही नहीं सकता उसके बाद क्या कह रहा है स्मॉल ग्रीनिश ब्राउन स्मॉल ग्रीनिश ब्राउन कलर के क्या है डैश या तो वो वॉर्म होंगे या तो वे पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह क्या होता है खाद वगैरह की बात कर रहे हो तो यहां पर पेस्टिसाइड नहीं होगा यहां पर क्या होगा स्मॉल ग्रीन ब्राउन डैश और warm की बात कर दी तुमने वॉर्म लिखा हुआ सिंगुलर भी लिखा हुआ है और आगे, आगे आपको यह भी देखना है आर्टिकल दिया था तो आगे आने वाला जो नाउन होगा वो क्या होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट भी करते हैं अब मान लो कहीं पर आपको वॉर्म दिया जाता तो आप खुशी खुशी

टेक्निकल टीम प्लीज ट्वेंटी सेकेंड्स का टाइमर लगा दीजिए विवेक क्ला की क्लास जल्दी ही होगी सी 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 अच्छा चलो देखते हैं क्या होना चाहिए प्रेजेंस ओरिजिनेट अच्छा और बताओ क्या होना चाहिए बहुत गलत गलत तुम लोग आंसर्स दे रहे हो और हमको एक मेजोरिटी में देखो इतना आसान है तुम लोग कोशिश करो आंसर देने की डी होगा चलो देखते हैं क्या होगा अब देखो क्या लिखा हुआ है इट इज द सी होगा चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा मेजोरिटी ने यू कहे तो गलत आंसर दिया है बच्चा देखो इसका आंसर समझने की कोशिश करना क्या लिखा हुआ इट इज द फॉल ये क्या है इट इज द फॉल ऑफ किसकी आर्मी वॉर्म स्पैडो

पेस्ट हैज़ रीच्ड फार वेस्ट बंगाल और गुजरात अब जिन्होंने यहां पर हमको बोला इवोल्यूशन इवोल्यूशन गजब का नहीं हो सकता इवोल्यूशन तब होता जब वो पहली बार देखा गया होता उसका तो हो चुका है ना इवोल्यूशन तो पहले हो चुका है अब बात कर रहे हो सिंस इट्स अब उसको देखा गया कहां पर शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है। तो वो पहले से तो पहली बार जब यूज करोगे तो इवोल्यूशन का इस्तेमाल करते अगर उसको हम पहली बार देख रहे होते उस वॉर्म को पहली बार देख रहे होते तो हम क्या लगाते इवोल्यूशन लगाते यहां पर आप पहले से कह रहे हो अ नेटिव ऑफ द अमेरिकाज विच वॉज फर्स्ट सीन इन एशिया फाइव मंथ सिंस इट्स डैश इन दिवस डिस्ट्रिक्टीच यानी पहले उसकी बात कर चुके हो अब वो पहुंचा है कहां पे, वेस्ट बेंगल और गुजरात में तो इवोल्यूशन यहां पर नहीं हो सकता इवोल्यूशन तो उसका कहीं और हो ही चुका था ठीक इतनी बात समझ में आ गई दूसरी चीज यहां पर लिखा हुआ इट्स इट्स के बाद पूरी इंग्लिश की बात कर रहे हैं। इट्स के बाद नाउन आता है क्या आता है? आता है इट्स 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 पेन मार्कर कॉपी मोबाइल यानी कि जो वर्ड होगा वो क्या होना चाहिए नाउन होना चाहिए इट्स ब्यूटिफुल क्या इट्स ब्यूटिफुल कह सकते हो नहीं इट्स ब्यूटी ये क्या है ब्यूटी इट्स हैंडसम क्या इट्स हैंडसम कह सकते हो इट्स के साथ यानी आपको कुछ नाउन ही लगाना पड़ेगा अगर आपने एडजेक्टिव लगाया तो आपको क्या लगाना पड़ेगा आगे फिर से नाउन लगाना पड़ेगा तो यहां पर देखो द ऑलरेडी लगा हुआ है स्टेट के लिए यानी कि यहां पर हमको इट्स के लिए क्या चाहिए एक नाउन चाहिए ही चाहिए इतनी बात समझ में आगे हमें क्या चाहिए नाउन चाहिए चाहिए ओरिजिनेट क्या है भैया गजब का लिखा हुआ है वर्ब है क्या है ये वर्ब है अब हमने यहाँ पर अब बच्चे कितने हमारे पास देखो यहाँ पर स्टडी की बात नहीं कर रहे हो पढ़ाई की बात ही नहीं कर रहे हो तो आइडेंटिफिकेशन जिन भी वर्ड्स के लास्ट में शन लगा होता है याद कर लो रट लो वो क्या होते हैं नाउन होते हैं पूरी इंग्लिश में शन लगा होता है है ओ आर लगा होता है ई आर लगा होता है डबल ई आर लगा होता है टी वाई लगा होता है जैसे ऑनेस्टी ये सब क्या होते हैं नाउन होते हैं तो यहाँ पर हमको नाउन की जरूरत थी अब हमने क्या कहा सिंस इट्स आइडेंटिफिकेशन क्या उसको करा हमने आइडेंटिफाई कर लिया कहां पर कर लिया इन द स्टेट शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट इन में द पेस्ट हैज रीच्ड एज फार एज वेस्ट बंगाल एंड गुजरात नेक्स्ट लिखा हुआ है अब आप लोग आगे करो यहां पर क्या होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर फाइव जल्दी से आप लोग बताओ क्या होना चाहिए और सबसे पहले आंसर देने वाले देखे कौन है स्टूडेंट जो सबसे पहले आंसर देगा टेक्निकल टीम ट्वेंटी सेकेंड का प्लीज टाइमर लगा दिया जाए आशविन बिल्कुल यू आर राइट वैरिंग संबित का मानना है ए होगा सुशील का मानना है विक्रम का मानना है बी होगा डिफरेंट होगा डिफरेंट होगा ए होगा चलो देखते हैं यहाँ पर सी ओम का मानना है सी होगा चलो देखते हैं यहाँ पर वैरिंग होगा ओम का ओप्रकाश का मानना है और फिर मलेशिया का मानना है सी होगा चलो देखते हैं क्या होगा देखो क्या लिखा हुआ है शाइलेषा शेक हाफ अ डजन ऑफ द कैटापिलर्स इन टू हिज हैंड यानी वो क्या कर रहा है जो कैटापिलर्स है उनके साथ क्या कर रहा है थोड़ा बहुत हाथ में लेके उसको क्या कर रहा है शेक कर रहा है ठीक दे आर ऑफ डैश साइजेस दे आर ऑफ डैश साइजेस विच मीन्स दैट दे आर ए डिफरेंट स्टेजेस उनके क्या पता चल रहा है दे आर ऑफ जैसे भी हैं उससे क्या पता चल रहा है दे आर ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लार्वर लाइफ साइकिल ठीक इतनी बात समझ में आ गई या तो डिफरेंट होगा या तो स्मॉल होगा दे आर ऑफ डैश साइजेस अब देखो यहां पर क्या हम लोग स्मॉल लगा सकते थे पहला स्मॉल को अगर हम डिस्कस करें क्या हम यहां पर स्मॉल दे आर ऑफ स्मॉल साइजेस हम क्यों नहीं कह सकते बिल्कुल कह सकते हैं कह सकते? जल्दी से बताओ क्या हम यहां पर स्मॉल कह सकते हैं या नहीं कह सकते अगर हम नहीं कह सकते हैं तो क्यों नहीं कह सकते हैं क्या हम स्मॉल कह सकते हैं यार बताओ स्मॉल क्यों नहीं कह सकते स्मॉल क्यों नहीं कह सकते बताओ आर ऑफ स्मॉल साइजेस देखिए कौन सबसे पहले रीजन देता है चेक इट आओ जल्दी से आंसर दो सबसे पहले कौन देता है कि यहाँ पर हम स्मॉल क्यों नहीं लगा सकते जैसे हमने बोला वह लड़का बौना है वो बहुत छोटा है वह लड़का बौना है वो बहुत छोटा है तो क्या हमने बौना बोलेंगे और साथ में हम छोटा बोलेंगे ये तो गलत हो जाएगा ना ये तो सुपर फ्लूस हो जाएगा ना जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि भैया वो छोटे छोटे होंगे तभी तो उनको हम हाथ में ले रहे हैं जब वो छोटे छोटे होंगे कोई बड़ा और विशाल होगा उसको तो तुम तो तो हाथ में लेके ऐसे ऐसे नहीं कर लोगे तो कोई छोटा होगा उसी को तो लोगे इसीलिए बुद्धि का इस्तेमाल करना है इसीलिए दे आर ऑफ स्मॉल साइजेस का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे इज इट क्लियर दे आर ऑफ हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं स्मॉल दे आर ऑफ नेक्स्ट लिखा हुआ है दे आर और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं दे आर ऑफ डैश साइजेस विच मीन्स दे आर एट डिफरेंट स्टेजेस अब समझने की कोशिश करना लिखा हुआ इक्वल अगर हमने आपसे बात करी इक्वल की तो दे आर ऑफ इक्वल साइजेस नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि आगे लिखा हुआ विच मींस दैट दे आर ऑफ डिफरेंट स्टेजेस डिफरेंट स्टेजेस आप बता रहे हो ध्यान से देखना डिफरेंट स्टेजेस डिफरेंट स्टेजेस है तो यहां पर क्या या, सब इक्वल हो सकते हैं नहीं हो सकते यहां पर डिफरेंट स्टेजेस आपने बता दिया तो क्या इसका मतलब होता है परफेक्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ज्यूमेट लिखा हुआ इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है दे आर ऑफ परफेक्ट साइजेस उनका जो साइज है वो क्या है परफेक्ट है तो हम ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में तो सबका साइज क्या होगा अलग अलग होगा तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस विच मीन्स दैट दे आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लार्वर लाइफ साइकिल विद इन डेज इट टर्न्स फ्रॉम लाइट फीडर अब बताओ यहां पर क्या होगा वाले का आंसर क्या होगा टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज का टाइमर लगा दिया जाए सबसे पहला देखे आंसर कौन देता है स्क्रीन की तरफ हम गहराई से देख रहे हैं सबसे पहले आंसर देखे कौन देता है टेक्निकल टीम ट्वेंटी सेकेंड का प्लीज टाइमर आंसर हिमांशी ने दिया बट इट इज इन करेक्ट पवनी गलत है ये भी गलत है प्लांट चलो अच्छा देखो अब यहाँ पर देखते हैं जल्दी से क्या होगा प्लांट uh, तुम लोग लगा रहे हो कैसे सी होगा देखो यार लिखा हुआ समझना कितना आसान था लिखा हुआ विद इन डेज कुछ ही दिनों में क्या होता है इट टर्न्स फ्रॉम अ लाइट फीडर इनटू अ ईटर दैट कैन वाइप आउट यानी अभी तो वो छोटे छोटे से थे भैया जरा जरा सी खाते थे लाइट फीडर यानी कि बहुत कम कम खाते थे कुछ दिनों बाद क्या होता है विद इन डेज कुछ दिनों बाद क्या होता है एकदम ये लोग पेटू बन जाते हैं एकदम क्या बन जाते हैं पेटू बन जाते हैं यानी कि बहुत सारा वो लोग खाना शुरू कर देते हैं पहले लाइट फीडर थे यानी कि हल्का हल्का खाते थे विद इन डेज वो क्या करना शुरू कर देते बहुत सारा खाना शुरू कर देते हैं दैट कैन वाइप आउट वो क्या कर सकता इतना ज्यादा खा लेते हैं कि उसकी वजह से क्या होता है दैट कैन वाइप आउट डैश वो आगे हमको पता चलेगा स अगर हमने बात करी कार्निवोरस तो उसका मतलब होता है मांसाहारी ठीक इसका मतलब क्या होता है मांसाहारी अगर हमने ओमनिवरस की बात करी तो ओमनिवरस क्या होता है मांसाहारी और शाकाहारी तो ये भी नहीं होगा वोरेशियस जो होता है इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर हम लिख देते हैं तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा वोरेशियस का जो मतलब होता है उसका जो मतलब यहाँ पर लिख देते हैं बिग इसका मतलब क्या होता है बिग इसका मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा अब हम यहाँ पर कहना चाहते हैं विद इन डेज इट टर्न फ्रॉम अ लाइट फीडर यानी कि हम कम खा रहे हैं कुछ दिनों बाद हम क्या बन जाएंगे वो रेशियस ईटर बन जाएंगे कार्निवोरस और ओमनिवोरस की तो वॉर्म्स को लेकर आप बात ही नहीं कर रहे हो यहां पर कह रहा हो कुछ दिनों पहले तो हम कम कम खा रहे अब हम क्या कर दे ना? बहुत ज्यादा ज्यादा खा रहे हैं। तो प्लांट फीटर नहीं होगा या क्रॉप ईटर नहीं होगा यहां पर कोई सेंस ही नहीं दे रहा है कि हम प्लांट ईटर लगा दें या क्रॉप ईटर लगा दें उनको स्पेसिफाइड कर दे हम तो बस ये कह रहे हैं कि विद इन डेज कुछ कुछ दिनों के भीतर क्या हो जाता है इट टर्न्स फ्रॉम अ लाइट फीडर यानी हल्का हल्का खा रहे थे और कुछ दिनों बाद एकदम वो क्या कर जाते हैं बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं इसलिए क्या हो जाएगा वोरेशियस ईटर हाँ पेटू हाँ पेटू खाओ बिल्कुल सही कहा पेटू बन जाते हैं ये लोग दैट कैन वाइप आउट दैट कैन वाइप आउट क्या दैट कैन वाइप आउट आप लोगों को बताना होगा क्या होगा दैट कैन वाइप आउट डैश क्या होना चाहिए टेक्निकल टीम ट्वेंटी सेकेंड्स का प्लीज टाइमर लगा दिया जाए टेक्निकल टीम टाइमर चल नहीं रहा है चलो टाइमर खत्म हो गया क्या होगा स्टॉक्स होगा स्टॉक्स होगा भैया स्टॉक्स होगा क्या होगा चलो देखते हैं लिखा हुआ है दैट कैन भैया वो पहले इतने हल्का हल्का खाते थे फिर वो पेटू हो जाते हैं पेटू हो जाते हैं फिर दैट कैन वाइप आउट पूरे पूरे वो खा जाएंगे वो पूरे पूरे क्या खा जाएंगे किसकी बात कर रहे हो किस वो पूरे पूरे क्या खा जाएंगे बताओ क्या खा जाएंगे पे अब जब बात करते हैं वेजिटेबल्स खा जाएंगे एफर्ट्स एफर्ट्स की तो यहाँ मेहनत की तो बात ही नहीं कर रहे हो स्टॉक्स मतलब होता है गोदाम तो गोदाम में जाके वॉर्म्स की बात नहीं कर रहे हो कि वॉम्स जाएंगे गोदाम में और वहां जाके खाने लगेंगे तो यहां पर स्टॉक्स कैसे लगा दिया था यार

की हम बात यहाँ पर हम पूरे सेंटेंस पूरे पैराग्राफ की बात करें तो हम किसकी बात करें कोई वेजिटेबल्स की तो बात पर्टिकुलर इन कर नहीं रहे तो हम यहाँ पर वेजिटेबल्स को नहीं लगा सकते कि वो पूरे के पूरे, पूरे क्या करते हैं जो जो ये वॉर्म्स हैं ये क्या करते हैं पूरे के पूरे वाइप आउट यानी कि पूरे पूरे खा जाते हैं पूरे के पूरे, पूरे क्या खा जाते हैं फार्म्स खा जाते हैं ठीक है इज इट क्लियर फार्म्स होगा समरा का माना चलो बहुत बढ़िया इसके अलावा हमने ये लिखा था आर आर बी पी ओ मेन्स की जो क्लास है अभी तक आप लोगों की तीन बजे होती थी अब ये चेंज हो गया है टाइमिंग कल से 2 पीएम पर ऐसा है कि शायद 2 पीएम पर नोटिफिकेशन आ जाएगा 2 पीएम पर ये क्लास शिफ्ट हो जाएगी गाइस ठीक है 2 पीएम पर ये क्लास शिफ्ट हो जाएगी और जो आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे आप और और जिसकी vacancies आ गई तो तो अगर आपको अच्छा लगता है If you are interested, तो आप देख सकते हो को कि जरूर कुछ ना कुछ आप लोगों को हेल्प मिलती होगी ऐसा हमें लगता है मैडम जी नमस्ते सचिन आपको अभी बहुत सारा नमस्ते इतनी देर में तुम क्यों आए हो चलो आगे बढ़ते हैं अब यहां पर क्या लिखा हुआ है uh, एट्थ का बताना है क्या होना चाहिए यहां पर दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम

वैसे अख्तर इट्स लाइक कि टू पी पर कल से क्लास होगी चलो टाइम खत्म हो चुका है सॉरी हम लगातार बोल रहे थे थोड़ा सा हम और टाइम बढ़ा देते हैं ई होगा ई होगा ई होगा क्योंकि अगर आपको मतलब नहीं मालूम है तो कभी नहीं कर पाओगे चलो अगर हमने बात करी इंजेनस तो इंजेनस का मतलब होता है इनोसेंट इसका मतलब क्या होता है इनोसेंट ठीक है अब यहां पर हम लिख देते हैं इसका मतलब क्या होता है इनोसेंट होता है ठीक है इसका मतलब क्या होता है इनोसेंट एग्जॉटिक का जो मतलब होता है वो क्या होता है फॉरेन ठीक है इसका मतलब क्या होता है फॉरेन से रिलेटेड दिख रहा है ना ठीक माइग्रेटिव मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इंपॉर्टेंट मतलब पता है महत्वपूर्ण इंडिजिनस मतलब कि इंडिया में जन्मे लोग मतलब कि नेटिव इंडिजिनस इंडिया में जन्मे लोग नेटिव यानी स्वदेशी इसका मतलब क्या होता है खुद में पढ़े हैं वहीं बड़े हुए हैं नेटिव अब यहां पर लिखा हुआ है दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम डैश विजिटर टू ऑन इंडियन फार्म यानी कि यह पहला टाइम नहीं है जब क्या करा है विजिटर ने क्या करा है, है डाला है कहां पर इंडियन फार्म्स में यानी कि हमारे फार्म्स को क्या करा है बर्बाद करा है दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ये पहला टाइम ये पहली बार ऐसा नहीं है की हमारा यानी कि ये यह यहाँ पर जो आएगा वो हमारा नेटिव नहीं आ सकता नेटिव विजिटर स्पॉस टू रेक हवाक इंडियन फार्मर्स ये यह यहां पर नहीं हो सकता यानी किसी बाहरी ने क्या करा है हमारे फार्म्स को क्या करा है बर्बाद करा है आई बस इंडियन फार्म्स को क्या करा है बर्बाद करा है किसी विदेशी ने ही करा होगा ठीक है आगे से पता चल रहा है इन 2008 थाउजेंड एट द पपाया मेली बग अ सेंट्रल अमेरिकन नेटिव एंटर द कंट्री और उसने क्या कर दिया डिस्ट्रॉय कर दिया फलाना धमाका कर दिया आगे पढ़ेंगे हम लोग तो यहां पर क्या आना चाहिए जल्दी से बताओ क्या आना चाहिए क्या आना चाहिए जल्दी से बताओ एक विदेशी वर्ड आना चाहिए फॉरन से रिलेटेड यहां पर तो हमने नेटिव बता दिया यहां पर हमने इनोसेंट इनोसेंट कैसे लगा दो भैया बर्बादी कर रहा है इनोसेंट हो सकता है नहीं हो सकता दूसरी चीज तो यहां पर जो एक ही वर्ड बचा दैट इज क्या होगा एग्जॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा जो फॉरेन विजिटर था उसकी बात कर रहा, उसने क्या करा बर्बादी करी है अब एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है जैसे यहाँ पर ए और एन दिया हो तुमको यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा अगर ए और एन लगा हुआ है तो आगे जो नाउन होगा वो क्या होना चाहिए जो भी हमारा ए और एन अगर डायरेक्ट नाउन दिया गया है तो हमेशा वो क्या होगा सिंगुलर होगा और वो शुरू किससे होगा वॉवेल से शुरू होगा ए और एन कब आएगा जब वॉवेल से शुरू होगा तभी तो लगाओगे ना इज इट क्लियर ये बात का आपको ध्यान रखना है परंतु यहाँ पर हमने क्या लगाया है एडजेक्टिव लगाया एग्जॉटिक क्या है एडजेक्टिव है और विजिटर क्या है यहाँ पर नाउन है और हमको ये रूल तो मालूम है ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस क्या होगा नाउन होगा यहाँ पर विजिटर लिखा हुआ है सिंगुलर लिखा हुआ है तो विजिटर्स तो कर नहीं सकते थे क्योंकि ए और एन है जो कि बिल्कुल सही दिखा हुआ है अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर नाइन की तरफ बढ़ते हैं आ, ये रहा आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर नाइन आपको क्वेश्चन नंबर नाइन यहाँ पर आपको ये बताना है कि क्या होना चाहिए चलो बताओ टेक्निकल तीन जल्दी से यस yes. माइग्रेटरी का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और वहां पर विजिटर बेटा ऑलरेडी लिखा था तो माइग्रेटरी विजिटर साथ में नहीं हो सकता जिसका ये क्वेश्चन था आई होप क्लियर माइग्रेटरी विजिटर नहीं हो सकता अगर विजिटर नहीं दिया जाता तो हम लोग भले ही लगा सकते थे वहां पर ओके टाइम खत्म हो चुका है देखे यहां पर क्या होना चाहिए देखे, देखे, जल्दी से देखते हैं कि भैया क्या होगा पर अब देखो अगर तुम लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक करना बनता है कंट्री एंड डिस्ट्रॉयड और क्या कर दिया उसने डिस्ट्रॉय कर दिया इन सेवरल स्टेट्स इन सेवरल अगर तुम लोगों को सेशन में कुछ अच्छा लगा है जल्दी से पहले लाइक कर दो लाइक करने में क्या जाता है यार लाइक कर दो तुम लोगों के लिए सुबह सुबह सेशन लेके आते हैं थैंक यू बोलो उसके लिए हमको और ला... तुम लोग पता है थैंक यू मत बोला करो जब तुम लोग सेशन खत्म होता है ना हम कॉमेंट जरूर पढ़ते हैं तुम लोग थैंक यू मत बोला करो वहां पर तुम उसके बदले में लाइक कर दिया करो लाइक करने में कुछ पैसा तो जाता नहीं है मेरे लिए क्या हो जाता है मोटिवेशन हो जाता है लोग तो मेरा मोटिवेशन हो यार और कोई मेरा मोटिवेशन यू गाय आर माई मोटिवेशन तभी तो हम अच्छा कर पाएंगे जब तुम लोग लाइक करोगे और उसको शेयर करोगे ठीक है ना इसलिए लाइक वाइक कर दिया करो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लाइक से इन टू थाउजेंड एट द अ सेंट्रल अमेरिकन नेटिव एंटर्ड द कंट्री भैया एंटर्ड करा उसने एंटर्ड के साथ कभी इंटू भी नहीं लगता है। ध्यान देना इंटू नहीं दिया हुआ है एंटर्ड into अगर प्रवेश करने के अर्थ में हो रहा है तो कभी भी एंटर्ड के साथ में हम किसका प्रयोग नहीं करते into का प्रयोग नहीं करते हैं Got it? अब लिखा हुआ है and destroyed. And destroyed, उसने क्या कर दिया Seed को Seed, मतलब बीज को क्या कर दिया उसने डिस्ट्रॉय कर दिया तो यहाँ पर हम सीड का डिस्ट्रॉय की बात नहीं कर सकते ठीक है दूसरा क्या लिखा हुआ है अब देखना यहाँ पर इस जगह द कंट्री डेस्ट्रॉयड इन सेवरल स्टेट या तो यहां पर फार्मिंग हो सकता है कि भैया हम अभी तक किसकी बात कर रहे हैं फार्म्स की तो बात कर रहे हो आगे भी तुम लोगों ने देखा था फार्म लगाया था पेस्टिसाइड्स प्लांटेशन और कल्टिवेशन अब देखो यहां पर अगर हमने प्लांटेशन की बात करी तो प्लांटेशन का मतलब होता है पेड़ पौधे लगाना यहाँ पर हम लिख देते हैं पेड़ पेड़ पौधे लगाना पेड़ पौधे लगाना फार्मिंग का मतलब क्या होता है खेत यहाँ पर यहाँ पर लिखते दिख रहा है तुम लोगों को खेत ठीक है किसकी बात कर रहे हो फार्मिंग की हम लोग पूरे सिलसिले में जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हो भैया खेत की बात कर रहे हो है ना पेस्टिसाइड्स की अगर हमने बात करी तो पेस्टिसाइड्स कीड़े मकोड़े तो यहाँ पर उसने क्या करा है कि पूरे के पूरे पूरे के पूरे उसने क्या कर दिया है देखो फार्मिंग और कल्टीवेशन तो कल्टीवेशन यहाँ पर हो नहीं सकता प्लांटेशन यहाँ पर हो नहीं सकता पेस्टिसाइड्स कीड़े मकोड़े हो नहीं सकते सीड्स बीज की बात नहीं कर रहे हो तो वी आर लेफ्ट विद वो वी आर लेफ्ट विद उसने की पूरी की पूरी क्या कर दी बर्बाद कर दिए फार्मिंग कहाँ पर इन सेवरल स्टेट्स इज इट क्लियर क्या होगा यहाँ पर इन सेवरल स्टेट अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टेंथ की तरफ और जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से टेक्निकल टीम ट्वेंटी सेकेंड का टाइमर लगा दिया जाए वेरी गुड फार्मिंग इज द राइट आंसर बी होगा बी होगा चलो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर टाइम खत्म हो चुका है बी डी अलग अलग आंसर्स लगातार हमको मिल रहे हैं लगातार हमको मिल रहे हैं चलो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर अब लिखा हुआ है टूटा साउथ अमेरिकन डैश वॉज स्पॉटेड इन कर्नाटका भैया क्या हुआ था स्पॉट करा गया था अ कपल ऑफ इयर्स इट हैज रीच्ड कुछ ही सालों के बाद इट हैड रीच कहां कहां पर महाराष्ट्र गुजरात दिल्ली एंड अदर रीजन वेर इट कॉस्ड वाइड स्प्रेड डैमेज 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 किसको damage कर रहा था टोमेटो क्रॉप को डैमेज था अब देखो यहां पर टूटा आपसे लूटा साउथ अमेरिकन ये डैमेज कर रहा है किसी क्रॉप को डैमेज कर रहा है किसको आ, किसको बर्बाद कर रहा है किसी क्रॉप को वो भी किस क्रॉप को टोमेटो क्रॉप को अब यहां पर समझना यहां पर लिखा हुआ है बैक्टीरिया इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड विजिटर वॉम या मौत मौत जो होते छोटे छोटे से जो कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं मौत उसको उनको क्या बोलते हैं हम मौत बोलते हैं अब यहां पर लिखा हुआ है और टूटा अ साउथ अमेरिकन अ साउथ अमेरिकन क्या अ साउथ अमेरिकन बैक्टीरिया तो यहाँ पर बैक्टीरिया होगा नहीं विजिटर होगा नहीं अब हमारे पास बता मौत हमने क्या बता दिया जो उड़ते रहते हैं यहां पर हम किसकी पूरे पैराग्राफ में जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं कीड़ा जो कि की क्या है वॉर्म है तो हम लोग बैक्टीरिया या हमने पहले से ही जर्म्स की बात ही नहीं करी है तो ये सब ऑप्शन हमारे हो नहीं सकते वी आर लेफ्ट विद जो हमारा रह गया वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टेंथ का जो आंसर होगा वो क्या होगा वो इज योर राइट आंसर इज इट क्लियर यहाँ पर क्या होगा हाँ हाँ, हाँ. चलो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर ये आपका राइट right आंसर है कोई क्वेश्चन तो जल्दी से पूछ लो अपना अगर कुछ भी हाँ जिदिया के वॉर्म होगा जया अगर कोई भी क्वेश्चन डोंट वरी अगर तुम लोग ने ये पढ़ा तुमको ऐसा लगता है कि नहीं मैडम हम ये वाला लगा सकते हैं तो हम ये वाला लगा सकते हैं अभी तुम लोग कमेंट सेशन खत्म हो जाएगा अभी की अभी तुम लोगों का काम है कमेंट में पूछना कि मैडम ये वाला क्यों नहीं हुआ और हम खुद से आपको आंसर देंगे डोंट वरी अगर कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन हुई है तो बिल्कुल भी परेशान मत होना और कल सुबह छह बजे हम आपको बताना चाहते हैं सुबह छह बजे हर एक दिन मेरा शो आता है जरूर उसको देखना कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करना और आज का सेशन अगर तुम लोगों को अच्छा लगा हो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज डू नॉट टू हिट बटन। आपकी हिट द द लाइक लाइक बटन बटन आपके करने से कुछ नहीं होता बट इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी और डू सब्सक्राइब माई चैनल हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू एवरीबडी फॉर योर इमेंस लव थैंक यू हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी वो सारा जीएस जो जरूरी है आपके सिलेक्शन के लिए आ रहा हूं मैं आपके लिए आपके सेलेक्शन के लिए लेकर जीएस संग्राम बारह हजार से भी ज्यादा वेकेंसीज लेकर आया है आईबीपीएस क्लर्क 2019 सिर्फ आपके लिए क्या इसमें सिलेक्शन प्राप्त करना है आपका लक्ष्य तो जुड़ना मत भूलिएगा रात आठ बजे सत्रह सेप्टेम्बर को आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा ट्वेंटी के साथ